हम केजरीवाल को वोट देंगे वो तो वहाँ पहुंचेगा झाड़ू के रोड पे लगा बेटा उससे कमाती है। और जब मोदी को देंगे वो देगा गुलाब का फूल बंदी को ऊपर वाली। भाई साहब ये कह रहा है कि केजरीवाल को अगर वोट देंगे अगर वो जीत जाएगा तो झाड़ू देगा बोलेगा झाड़ू लगाने के लिए, और अगर मोदी जी को वोट देंगे तो मोदी जी देगा गुलाब का फूल लड़की को प्रपोज करने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई काम करो, मोदी जी जो है ना ट्रेन में चाय भी बेचे थे। सही पकड़े। चाय में बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मगर क्यों? कतली लेना अच्छा ही बेचने निकल जाना, और जब का होगा कि चाय के साथ दिमन पैसा नहीं आए तो एक काम करना ये वाला डायलॉग सुन लो। अरे हम तो फकीर आदमी है झोला लेके चल 300 रुपए किलो आटा लेंगे बाकी वोट तो बीजेपी को देंगे। 300 रुपए किलो आटा लेंगे और बीजेपी को देंगे। 300 रुपए किलो आटा हो जाए पर वोट तो बीजेपी को ही देंगे। क्या सोच है रे तेरी? भाई साहब ऐसे ऐसे लोगों से क्यों सवाल पूछते हो भाई? अगर देखो अनभक्त जो है वो आटा थोड़ी नहीं खाता है तो गोबर खाता है मुंह पीता है, तो उसको तेल से आटा से क्या लेना देना है? 300 रुपए किलो आटा हो जाएगा कह रहे तब भी मोदी जी बोल रहे ये पागल है। अच्छा इंसान है तुम पागलों का इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? और भाई साहब ऐसे ऐसे लोगों का जो मानसिकता जो होता है ना गोबर खाने से मानसिकता ज्यादा खराब हो जाता है, और ज्यादा खराब होने के बाद जो है ना क्योंकि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूरी चढ़ाई। भाई साहब देखे ना मानसिकता कैसा हो गया, ये सब कुछ नहीं है ये सब गोबर और मूत पीने के असर है। हाँ भाई साहब तो इसलिए कहना चाहते हैं आप लोगों से कि अनभक्त से दूर रहें, सतर्क रहें और सावधानी बना के रखें। अनभक्त रहेगा कहीं भी तो वो गंदगी फैलाएगा गोबर खिलाएगा, इसलिए अगर आपसे कोई अनभक्त मिले तो दो चार चप्पल लगाइए, और ना होता है तो चमड़ा वाला सुंघा दीजिए दो चार ठो बस हो गया। तो यही बताने के लिए आपके लिए आए थे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं आपकी मर्जी।